अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो कहानी आप सुनेंगे उसका नाम है जादुई जंगल। ये कहानी है पांच बच्चों की जो एक जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या किया और कैसे निकले ये तो कहानी सुन के ही पता चलेगा। तो जनाब, कहानी कुछ यूं है कि किसी दूर दराज इलाके में पांच दोस्त रहते थे। उनकी आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। वो पांचवी जमात में पढ़ते थे, एक साथ खेलना पढ़ना वो हर काम इकट्ठा करते थे। सबसे पहले है आदिल, बहुत शरारती, लड़ने झगड़ने वाला, खाने पीने का शौकीन था, सब उससे डरते थे। लेकिन अगर किसी को मदद चाहिए हो तो वो मदद भी कर देता था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। दूसरे नंबर पर है हमजा। हमजा एक शातिर बच्चा था, उसको नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। हर नया खिलौना उसको चाहिए होता और वो कुछ नया करता भी और बनाता भी। दोस्तों में अक्सर लड़ाइयाँ इसी की वजह से होती थी, मगर इसका अपने दोस्तों के बगैर गुजारा भी तो नहीं था। फिर पारी आती है पिंकी की, जो कि अपने नाम की तरह एक गुलाबी सी नर मिजाज की बच्ची थी। बहुत रहमदिल, सबके काम आने वाली, जानवरों से प्यार, बड़ों की इज्जत और एहतराम करना, आहिस्ता आहिस्ता बोलना और नए नए खाने बनाने में अम्मी की मदद करना उसका मशगला था। उसके बाद है कौसिम। कौसिम एक सुस्त बच्चा था, सबकी मदद करने वाला, मगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। सारा दिन सोना और बस सोना ही उसका शौक था। दिल का बहुत नर्म कि किसी को तकलीफ में देखता तो खुद भी रो पड़ता। उसके बाद है तौनियाल, मोटू सा कपलू सा बच्चा, जिसको शहद बहुत पसंद था। नए नए कारनामे और शरारते करना उसका काम था, जिससे अक्सर इसको बहुत मार पड़ती थी। इन पांचों की दोस्ती मिसाली थी। इस बार जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो ये सब कहीं ना कहीं सैर को निकल जाते। कभी पहाड़ पर पहले पहुंचने की रेस लगती तो कभी दरिया को कौन जल्दी पार करता है की दौड़ लगती। और पिंकी इनके लिए मजे मजे के खाने बनाती थी, लेकिन वो एक ही मामूल से अब सख्त बोर हो चुके थे। तौनियाल बोला, अब यहाँ कुछ नहीं है देखने को, कहीं और चलते हैं। सबने उसकी तारीफ की, घर वालों से सैर की इजाजत ली और सैर को निकल गए। लेकिन इजाजत तो उन्होंने अपने इलाके की ली थी और वो दूर निकल गए, एक नई मुहिम जोई पर, एक नए सफर पर। ऊंचे नीचे पहाड़ों, घरों, जमीनी रास्तों से होते हुए वो एक जजीरे पे पहुंचे जो बहुत खूबसूरत था। एक तरफ आसमान को छूते बड़े पहाड़ थे तो दूसरी तरफ तेज बहता दरिया, जिसका पानी बहुत ठंडा और शफाफ था। दरिया किनारे एक तहाशा उगे जंगली फूल थे, जिसकी खुशबू दूरी से अपनी तरफ खींच लेती थी और लहरा लहरा कर खुशी से झूम रहे थे। परिंदों की चहचहाहट कानों को भली लग रही थी। वहां की ताजा, साफ सुथरी और ठंडी हवा थी। आदिल और हमजा का इरादा उधर ही कैंप लगाने का था। कासिम, पिंकी और दानियाल ने भी हाँ में हाँ मिलाई और खेमे उधर ही लगा लिए। हमजा और आदिल लकड़ी काटने लगे ताकि आग जलाने में काम आ सके। पिंकी और कासिम मछलियां पकड़ने चले गए और दानियाल शहद ढूंढने निकल गया। पिंकी और कासिम ने खूब मछलियां पकड़ी। उन्होंने लकड़ी पर मछलियों को भूना और खाकर सो गए। रात का आधा पहर गुजर चुका था। देखते ही देखते ठंडी हवा, जिसने लुहरी देकर उनको सुलाया था, आंधी में बदल गई और आंधी ने तेज तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली, जो उनके खेमे उड़ा ले गए। सब सामान आंधी की लपेट में आ गया। सबने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए और अनजाने से चल दिए। चलते पढ़ते दौड़ते ढलान से उनके पांव फिसले और वो गिर गए और फिर नीचे गिरते ही चले गए। जब उनकी आंख खुली तो वो एक बहुत सरसब्ज इलाके में थे। इतनी हरियाली थी हर तरफ, बड़े बड़े घने फलों से लदे दरख्त, जिनकी शाखें फलों के बोझ से झुकी हुई थी। खुशनुमा फूल, हर रंग के फूल थे। फूलों की इतनी किस्में और वो भी एक साथ, उन्होंने अपने इलाके में कभी भी नहीं देखी थी।
मगर वहाँ के फूल आम फूलों से मुख्तलिफ थे, बड़े बड़े और ऐसा लग रहा था जैसे आपस में सरगोशियाँ कर रहे हो, धीमी धीमी हंसी हंस रहे हो। कोयल की सुरीली आवाज़ भी तो गुनगुना रही थी वहाँ, बहते झरने, ठंडी मस्त हवा। अचानक आदिल ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यार देखो तो सही दानियाल को, अरे ये तो भालू बन गया। यार देखो देखो ये पिंकी कितनी प्यारी खरगोशनी बन चुकी है। दानियाल भी जोर जोर से हंसने लगा। आदिल खुद को तो देखो, तुम एक बंदर हो, आदिल बंदर। हमजा 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 कहाँ हो? दानियाल जो कि भालू था के पीछे कोई छुपा हुआ था। ये क्या? हमजा एक शातिर लूमड़ी का रूप धार चुका था। कासिम सब आवाजें देने लगे। कासिम कहाँ गया? कासिम पिंकी ने पूछा। मैं यहाँ हूँ, नीचे तो देखो। हाय ये क्या? कासिम एक बड़ा सा प्यारा सा कछुआ बन चुका था। दानियाल ये क्या हो गया? आदिल बोला। हम कहाँ आ गए और हम जानवर कैसे बन गए? लगता है हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं, यहाँ सब कुछ बहुत अलग सा है। हमजा और कासिम डर से चीखने लगे तो पिंकी बोली, देखो हम कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी इस खूबसूरती को देखते हैं, कुछ मजा करते हैं, क्या ख्याल है दोस्तों? दानियाल बोला, मगर हम बाहर कैसे जाएंगे? कासिम रोने लगा। क्या मैं कछुआ बन गया और अब मैं ऐसा ही रहूंगा? तो पिंकी ने उसे तसल्ली दी, जैसे इस दुनिया में आए हैं बाहर भी निकल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। दानियाल ने कहा, देखो हम सब वैसे ही जानवर बने हैं जैसी हमारी आदतें हैं। आदिल बोला, नहीं मैं तो बब्बर शेर बनना चाहता था और मैं हंसराज। हमजा मुंह लटका कर बोला, अरे हमजा तुम इतने प्यारे लग रहे हो लूमड़ी बनके, और आदिल तुम पे बंदर का रूप बहुत अच्छा लग रहा है। खरगोशनी बोली, हिप हिप हुर्रे, चलो आगे बढ़ते हैं सब। अरे रुको मैं तो पीछे रह गया, मेरे लिए तो रुको। कछुआ उल्टा पड़ा चिल्ला रहा था। खरगोशनी भागी, कासिम कासिम उठो ना। हाँ मैं अब ठीक हूँ प्यारी खरगोशनी। वहाँ एक बहुत खूबसूरत झील थी जिसका नील को पानी ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान पर तारे चमकते हैं। उस झील में बहुत प्यारी बत्तखें तैर रही थी। अचानक से एक जलपरी बाहर निकली और पत्थर पर बैठकर अपने लंबे बाल सुखाने लगी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, खुशामदीद। जलपरी मुस्कुरा के बोली, इस खूबसूरत दुनिया में आप सब दोस्तों का भरपूर इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के कुछ कवानीन हैं जिनको तोड़ने की सख्त सजा है, मुझे उम्मीद है आप कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। प्यारी जलपरी वो कवानीन क्या है? लूमड़ ने पूछा। प्यारे बच्चों याद है ना लूमड़ कौन है? हमजा। फिर जलपरी बोली, आप यहाँ किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा फल नहीं तोड़ेंगे ताकि दूसरे जानवर भी खा सके, और किसी जानवर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल हम ख्याल रखेंगे। वो पांचों चिल्ला के मुस्कुरा के एक सबान होकर बोले और झील में कश्ती पर सवार हो गए, और वो कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। पानी में बहुत सी प्यारी प्यारी सी हर रंग की मछलियां तैर रही थी जो खुशी से दायरा बनाती हुई उनकी कश्ती के पास आती और फिर दूर चली जाती। ये नजारा आंखों को बहुत भला लग रहा था। फिर कुछ मछलियों ने उनकी कश्ती से छलांग लगाई और हवा में कोसो कजा के रंग बिखर गए। वो ऐसे ही छलांग लगाकर दूसरी तरफ गिर जाती और हवा में कलाबाजियां लगाती। ऐसे ही मछलियों के करतब देखते देखते वो सब दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर उतरते ही दानियाल को भूख सताने लगी थी। दानियाल हमारा भालू दोस्त, वो बोला, मैं तो भालू हूँ, मुझे शहद खाना है बहुत सा। बंदर तुम दरख्त पर चढ़ो, वहाँ ऊपर मक्खियों का छत्ता लगा है, वहाँ से शहद लाओ। बंदर की राल टपक रही थी,
वो जिस दरख्त के नीचे खड़ा था वो लाल लाल सेबों से भरा हुआ था। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। आहा, मैं एक बंदर हूँ, मैं तो सेब तोड़ूंगा, सेब लाल लाल, और सेब खाने लगा। उमर चिल्लाया, सब खुद ही खाओगे कि हमें भी दोगे? चुप करो, पहले मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, हमें भी खाने हैं। खरगोशनी, कछुआ और भालू भी सेब मांगने लगे और बंदर ने दरख्त हिलाना शुरू कर दिया जोर जोर से। बहुत सारे सेब नीचे घास पर गिर गए और सब मजे मजे से खाने लगे। रुक जाओ, एक तरफ से बहुत से जानवर सामने आकर चिल्लाए। उनमें से एक बोला, तुम सबने बहुत फल जाया किया है, तुम्हें सजा मिलेगी, पर तुम्हारी सजा ये है कि लकड़ियां जो दरख्तों की शाखों से टूट कर गिरी हैं, इन शाखों और घास फूस को इकट्ठी करके घर बनाओ। जब तक घर नहीं बनाओगे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। खरगोशनी कछुए के कान में बोली, कितना मजा आएगा ना, कि सजा कम मजा ज्यादा है। बंदर और लूमर लकड़ियां ढूंढने चले गए। भालू घास इकट्ठी करने लगा। कछुआ और खरगोश लकड़ियों को जोड़कर कील लगाने लगे। ऐसे ही हंसते खेलते एक बहुत प्यारा सा घर बन गया। एक बादल का टुकड़ा बहुत देर से उनके आगे पीछे मंडला रहा था। तुमर के दिमाग ने काम किया कि ये बादल हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो इस पर पांव रखें। सदा का डरपोक कछुआ डर गया। नहीं नहीं, ने इसको अपने हाथ में पकड़ा और बादल पर सवार हो गया। बाकी भी सब उस पर चढ़ गए। प्यारे बच्चों, वो बादल दरअसल जादुई कालीन के जैसा था। पता है ना जादुई कालीन कैसा होता है, जिस पर चढ़ते हैं और वो दूर तक उड़ा ले जाता है। उस बादल ने भी उन्हें एक खूबसूरत बाग के बाहर लाकर उतार दिया। उस बाग के बाहर लिखा था, भूल भुलैयों की दुनिया, भूल भुलैया पार करो और जादुई चराग पाओ। इस भूल भुलैयों में बहुत मुश्किलें थी। मुख्तलिफ पत्थर बने थे जिस पर पाँव रखकर आगे बढ़ना था। इन पत्थरों के दरमियान कहीं आग थी तो कहीं पानी, कहीं रीते जानवर और कहीं नुकीली झाड़ियाँ। गलत पत्थर पर पाँव रखो तो वापस शुरू पर पहुँच जाओगे। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर पहले पत्थर पर पाँव रखा तो वो ठीक था। थोड़ा आगे सेब, गाजर, शहद और मजेदार खाने की चीजें पड़ी थी। बंदर और भालू खाने की तरफ लपकने लगे, मगर उमर ने उन्हें रोक दिया कि ये भूल भुलैया की दुनिया है, इसी मुसीबत में ना पड़ जाना। आगे एक जगह आग का तालाब था। बंदर ने लटक कर अपनी दूर से इन्हें पार करवा दिया। फिर पानी आ गया। कछुआ अपने खोल में सिमटा और सबने इसके सख्त खोल पर पाँव रखकर पड़ाव पार कर लिया। आगे बहुत फासले पर पत्थर थे, वहां खरगोश काम आया। उसने लंबी छलांग लगाई और पत्थरों को जोड़कर दरमियानी फासला कम कर दिया। चलते रहे तो ये क्या, आगे रास्ता बंद था। फिर भालू था ना, उसकी ताकत काम आई। भालू के एक मुक्के से दीवार गिर गई। आगे दो रास्ते थे, एक तरफ झाड़ियां थी और एक तरफ आग थी। उमर ने समझदारी से काम लिया, झाड़ियों की तरफ चल पड़े। उन्हीं झाड़ियों में चराग भी था। चराग को रगड़ते ही उसमें से जिन निकला। क्या हुक्म है मेरे आका, आप सब एक एक ख्वाहिश बताएं, वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले भालू बोला, मुझे एक ऐसा घड़ा चाहिए जो शहद से भरा हो, उसमें शहद कभी भी खत्म ना हो। खरगोशनी बोली, मुझे नेक परी बना दो। बंदर बोला, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। कछुआ बोला, मैं तेज सराख बनना चाहता हूँ। सबकी ख्वाहिशें पूरी हो गई, मगर नूमर क्यों चुप है? नूमर बोला, मुझे इस जादुई दुनिया से बाहर जाना है, हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जो हुक्म मेरे आका, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। लेकिन ये क्या, वो तो जादुई दुनिया से बाहर आ चुके थे। बाहर आकर सब चुपचाप और खोए खोए से थे। उनके साथ जो कुछ हुआ वो क्या था, वो ख्वाब था या हकीकत? और अगर ख्वाब था भी तो असल तो नहीं हो सकता ना। घर आकर सब अपने अपने स्कूल की तैयारी करने लगे।
और दिल में सबने अज़्म कर लिया कि वो ख्वाब था या जो भी, उसमें हकीकत के रंग भरेंगे। पिंकी ने सोचा वो बड़ी होकर एक उस्तानी बनेगी जो इल्म की रोशनी से सबके दिल मुनव्वर करेगी। हमजा ने सोचा कि वो साइंसदान बनेगा, कासिम एक तैराक और आदिल फुटबॉलर। प्यारे बच्चों, ख्वाबों की दुनिया का असल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाब जरूर देखने चाहिए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, हिम्मत, लगन और मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत होती है, तभी मंजिल मिलती है और तभी कामयाबी कदम चलती है।